हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज किचन। आज हम बनाएंगे बूंदी। तो बूंदी फ्रेंड्स, ये आप प्रसाद के लिए भी बना सकते हैं, और आपको अगर रायते वगैरह के लिए बनानी है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप घर में किस तरीके से और बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं, तो आइए आज हम बनाएंगे बूंदी। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए हमें वो हम देख लेते हैं। ये हमने बेसन लिया है। बेसन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। यहाँ पे 1 कप पानी लिया है, जितना यूज़ होगा हम यूज़ करेंगे। और ये जस्ट लिटिल बिट 1 पिंच हम यहाँ पे ये मीठा सोडा यूज़ करेंगे। ऑप्शनल है, आप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते तो स्किप कर दीजिए। और ये हम आपको दो तरीके से बूंदी बताएंगे कि आपको दो तरीके से बूंदी आप किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। तो एक तो ये इस तरीके का आप झारा ले लीजिए। ये घर में भी बहुत इजीली होता है, सभी के घरों में होता है, और मार्केट में भी इजीली मिल जाएगा आपको। तो एक तो आप इस तरीके का झारा ले लीजिए, बिल्कुल फ्लैट होता है, और इससे बहुत अच्छी बूंदी हमारी बन के तैयार होती है। और दूसरा आप इस तरीके का एक कद्दूकस ले लीजिए। आपको छोटी बूंदी बनानी है या बड़ी बूंदी बनानी है, अगर छोटी बूंदी बनानी है तो आप इससे भी इजीली बना सकते हैं, और बहुत अच्छी इससे बन के तैयार होती है। तो मैं दोनों तरीके से आपको बूंदी दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप मोटी बूंदी बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बना ले, और भी ज़्यादा मोटी बनाना चाहें तो आप जैसे बड़ी बड़ी सी आप बनाना चाहें बूंदी, जैसे आपका बड़ा बड़ी बड़ी बूंदी बने, तो उसके लिए आप इस तरीके का बड़ा झारा ले लीजिए। तो ऑयल भी हमने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स। तो चलिए हम ये बेसन पहले छान लेते हैं। बेसन हमेशा छान के ही यूज़ करना है फ्रेंड्स। तो ये हम बेसन छान लेंगे, और इसी में हम एक पिंच डालना है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं डालना है मीठा सोडा। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो बिखर जाएगी और आपकी बूंदी अच्छी नहीं बनेगी। तो अब हम इसको छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेसन हमने छान लिया है इस तरीके से, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल बनाएंगे। पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप प्रसाद के लिए बूंदी तैयार करना चाहें तो यहाँ पे मैंने ये पैन लिया हुआ है। आप इसमें ये चीनी डाल दीजिए इस तरीके से, अगर चाशनी वाली बनानी है आपने तो। और इसमें हम जस्ट थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ये थोड़ा सा ही, आधा कप पानी यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना फ्रेंड्स। ये आधा कप मैंने पानी यूज़ किया है, और इसको हम एक तरफ गैस पे जला रखे हैं मैंने, इसको चाशनी बनने के लिए रख देंगे। और जब तक हमारी चाशनी बन के तैयार होगी तब तक हमारा बेसन भी हम गोल बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि गोल बना के तैयार कर लें, क्योंकि बेसन हमने ये फ्रेंड्स ये छान के यूज़ किया है, तो बहुत जल्दी ये गोल अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा, और इसमें कोई गुठली वगैरह भी नहीं रहेंगी। क्योंकि जब आप बेसन घोल के छान के आप उसका घोल बनाते हैं तो बहुत अच्छा घोल बन के तैयार होता है। इसको हम अच्छे से घोल बना लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके ही पानी यूज़ करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये बेसन मैंने घोल बना लिया है। अब हम इसमें जो ऑयल है यही डाल देंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी जो बूंदी बनेगी बहुत क्रिस्पी बनेगी और बहुत अच्छी खिली खिली बनेगी। इसमें हम मिला देते हैं, और इसको, ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और यूज़ करूँगी। ये टोटली हमने चाशनी बनाने और बेसन घोलने में फ्रेंड्स हमने 1 कप पानी यूज़ किया है। बस इसको अच्छे से हम घोल तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने घोल बना के देखिए इस तरीके से तैयार कर लिया है, और इस तरीके की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए इसकी। बिल्कुल पानी की तरह पतला नहीं करना है फ्रेंड्स, और ना ज़्यादा थिकी रखना, इस तरीके का। आप अच्छे से देख लीजिए इसको, और इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप इसको जितना फेंट सकते हैं आप फेंटिए, और अगर मीठा सोडा यूज़ करना चाहते हैं तो करिए, ऑप्शनल है, ये नहीं करना चाहें स्किप कर दीजिए। बगैर मीठे सोडे के भी ये बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। इस तरीके से ये हमारा बैटर रेडी हो चुका। अब हम आपको बना के दिखाते हैं। ये सबसे पहले हम फ्रेंड इससे बनाएंगे, छोटे वाले से, इससे भी बहुत अच्छी बनके तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, इसको मैं इस तरीके से रख रही हूँ, और इस पे थोड़ी थोड़ी करके इस तरीके से बीच में डालिए।
आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, देखिए अपने आप ही ये निकलने लगती है बूंदी। अपने आप ही बन के तैयार होगी। बस गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा क्योंकि ये बेसन है, थोड़ा पकने में समय लगता है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और एक करछी से इसको इस तरीके से चलाते जाइएगा भी, क्योंकि ये अलग अलग हो जाए। देखिए अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये आपके पास बड़ा जा रहा नहीं, तो आप इससे इस तरीके से बना लीजिए, तो बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। और गैस का फ्लेम स्लो ही रखिएगा। और ये देखिए इस तरीके से निकल गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये वाली बूंदी हमने निकाल ली इस तरीके से, अब हम इससे बनाएंगे बूंदी। तो इसको पहले हम थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से, ताकि ये बेसन चिपके नहीं इस पे, और अच्छे से हमारी बूंदी निकल के तैयार हो। तो फ्रेंड्स ये हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से, आप स्पून से डालिएगा, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, आप स्पून से डालिएगा। ये इस तरीके से हम डाल देंगे सारा। देखिए एक एक बूंदी अच्छे से निकल रही है फ्रेंड्स, आप हाथ से पकड़ सकते हैं इस तरीके से। चलिए मैं आपको बना के दिखा, ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये देखिए अपनी है, आप ये निकल रही है बूंदी, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना हिलाना है कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से। बस ये ध्यान रखिएगा अगर आपके साथ में कोई है तो इसको चलाता रहे एक साइड से, तो उससे क्या होगा ना, ये एक दूसरे पे चिपकेगी नहीं बूंदी, और बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। ये देखिए कितनी अच्छी खिली खिली बन के तैयार हुई है। अब बस अब हम इसको अच्छे से, और गैस का फ्लेम आप मीडियम रखिएगा, स्लो रखें तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार होगी आपकी बूंदी। देखिए इस तरीके से अब हम इसको अच्छे से चला देंगे और बूंदी हमारी रेडी हो गई। आप इसकी आवाज भी सुन रहे हैं फ्रेंड, देखिए कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। कोई मुश्किल काम नहीं है बूंदी बनाना, आप घर में ही इजीली बना सकते हैं। आप मार्केट से इतनी कॉस्टली खरीद के लेके आते हैं, और आप थोड़ा सा मेहनत लगती है, घर में ही बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाता है। बस डो का ध्यान रखिएगा, ज्यादा आप बैटर जो बनाते हैं वो जो ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा गाढ़ा हो, अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर रहना चाहिए उसका, तो बहुत अच्छी हमारी बूंदी बनके तैयार हो जाती है। अब हम निकाल लेंगे इसको, बूंदी हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से, कर लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है जो कर लें। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बूंदी बनके तैयार हुई है, और अब हम ये दूसरा बैच भी डाल लेते हैं, और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा डालते समय, उसके बाद बिल्कुल स्लो कर लीजिएगा। अब हम इसमें दूसरा बैच डालते हैं। अगर आपके पास बूंदी बनाने के लिए साथ में कोई नहीं है, तो आप इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ना हिलाना है कुछ नहीं करना, बस इसी तरीके से ये देखिए एक एक बूंद टपक जाएगी इस तरीके से, ये मोती जैसे ये हमारी बूंदी बन के तैयार होगी इस तरीके से। अब हम सारी बना के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी बैच मैंने डाल दिया है इसमें, ये देखिए बूंदी हमारी अच्छे से बन के तैयार हो रही है। और गैस का फ्लेम जब आप इसमें बेसन का घोल डालते हैं फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा मीडियम रखिए, और जैसे ही आपकी सारी बूंदी, अब जैसे बेसन का घोल आप पूरा डाल दिया इसमें, तब आप बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा, उससे क्या होगा ना, अच्छी सी क्रिस्पी बन के तैयार होगी।
और जितना थोड़ी थोड़ी ही डालिए फ्रेंड, थोड़ी थोड़ी डालेंगे तो सच में बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। एक बार में बहुत सारी मत डालिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बनके। देखिए हमारी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है बूंदी, ये देखिए क्रिस्पी भी है। मैं आवाज़ सुनाती हूँ इसको, ये देखिए बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई। ये आप प्रसाद के लिए भी बना सकते हैं, आप या आपको वैसे रायते के लिए बनानी है तो आप, अगर आप प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो नमक मत डालिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसमें नमक वगैरह नहीं यूज़ किया है। क्योंकि आप कई बार होता है ना कि मीठी बूंदी खाने का मन करता है, तो आप चाहे तो आप इस तरीके की बना के रख लीजिए और मीठी बूंदी भी आप इस तरीके से बन जाएगी आपकी। और रायते के लिए अगर यूज़ करनी है तो आप रायते में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये बैच भी अपना डाल लिया है। और एक चीज़ और याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरीके का आप ये रख रहे हैं और आपने ये एक जगह ही ये इस तरीके से करके रखेंगे तो एक जगह ही वो जम जाएगी बूंदी, एक दूसरे के ऊपर बेसन गिरता रहेगा। तो आप कोशिश करिएगा इस तरीके से थोड़ा सा चला चला के इस तरीके से करिए, और आपको ज़्यादा इन यू नहीं करना है, आप इस तरीके से थोड़ा सा चला दीजिए ताकि ये आपकी चारों तरफ ये बूंदी गिरे और ड्रॉप्स गिरे ये, ताकि अच्छे से मोती की तरह ये आपके बनके तैयार हो। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये इस तरीके से बना लिया है, और ये वाला मैंने, ये लास्ट बैच था हमारा, ये मैंने सारी बूंदी बना के इस तरीके से तैयार की है। और ये वाली बूंदी हम मीठी बूंदी बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इसको हम पहले सेक लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये हमारी ये वाली बूंदी बन के रेडी हो चुकी है, और ये चाशनी भी हमारी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। ये देखिए बिल्कुल पतली चाशनी रखनी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, इस तरीके से बिल्कुल पानी की तरह भी नहीं रखनी, और ज़्यादा एक तार या दो तार की भी नहीं बनानी। इस तरीके से थोड़ी जैसे घुल जाए तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, इस तरीके से हमें निकाल लेना। तो अब हम इसमें, ये हमारी बूंदी भी रेडी हो चुकी है, हम निकाल लेते हैं बूंदी और गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी है, आवाज़ भी इतनी अच्छी आ रही है इसमें। और अगर ये आप थोड़ी सी कलरफुल बनाना चाहें तो फ्रेंड्स आप ये थोड़ा सा इसमें फूड कलर यूज़ कर लीजिए, रेड कलर देना है, ऑरेंज कलर देना है, या ग्रीन कलर देना है, आप उस हिसाब से थोड़ा सा फूड कलर यूज़ कर लीजिए। अब हम इसमें ये चाशनी में डाल देंगे, ये गरम गरम ही फ्रेंड्स डालनी होती है चाशनी में। आप थोड़ा सा बैटर ध्यान रख के बनाएंगे, ध्यान में रख के, तो बहुत अच्छा आपका ये बूंदी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। और ये चाशनी का भी थोड़ी ध्यान रखेंगे तो मीठी चाशनी। अब ये फीकी ये बूंदी इसीलिए बनाई है, इसमें नमक वगैरह कोई नहीं यूज़ किया है, ताकि आप प्रसाद के लिए भी, कई बार होता है ना प्रसाद के लिए अगर समय नहीं है थोड़ी नई बूंदी तैयार करने के लिए, तो आप इस तरीके से चाशनी बनाएं और ये बूंदी का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने देखिए सारी निकाली, और इसको हम जस्ट 2 मिनट के लिए इस तरीके से इसको ढक देंगे, ताकि ये इसकी जो हीट है ये चाशनी अब्जॉर्ब कर ले, बूंदी बूंदी सारी चाशनी अब्जॉर्ब कर ले इस तरीके से। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम ये बूंदी अपनी देख लेते हैं। ये देखिए अच्छी सी बन के तैयार हुई, और ये चाशनी में से हम सारी बूंदी निकाल लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो बड़ी करछी का यूज़ कर सकते हैं, आप छोटी करछी का यूज़ कर सकते हैं, एक प्लेट में निकाल सकते हैं सारी। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से ये सारी चाशनी में से बूंदी निकाल ली है, और ये बची हुई चाशनी का हम दोबारा किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर आप ये मीठी बूंदी बनाइए तो थोड़ा ऐसा इलायची पाउडर डालना चाहे तो इलायची पाउडर डाल दीजिए, और केसर डालना चाहे तो केसर यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी हटा देते हैं, बाद में यूज़ कर लेंगे इसे। और अगर आप चाहें तो ये वाली बूंदी भी, आप अगर आप मीठी बूंदी बनाना चाहते हैं, ये वाली बूंदी इसी तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं, तो ये चाशनी का भी यूज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो हमने बनाई है चाशनी वाली बूंदी, इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से ये फैला के रख दीजिएगा, और इसके अंदर जो भी चाशनी है वो सब ये बूंदी अब्सॉर्ब कर लेगी। और इस तरीके की अगर आपको बनानी है, देखिए कितनी अच्छी और खिली खिली बूंदी हमारी तैयार हुई है, इसमें कोई मतलब कच्चापन नहीं है और अच्छी सिक्के तैयार हुई है। तो आप बहुत ही इजीली घर में बना के तैयार कर सकते हैं बूंदी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये, बस बैटर का ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल पतला नहीं करना, बिल्कुल थिक ही नहीं रखना है, बहुत ही अच्छा और क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए आपके जो आप बूंदी घोल बना रहे हैं। और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही यूज़ करिएगा,
और जैसे ही आपका क्रीमी टेक्सचर में आता है ये बैटर, सच मानिए बहुत अच्छी बूंदी बन के तैयार होगी। मैंने आपको छोटे झारे से भी बताया है आप किस तरीके से वो कद्दूकस से आप बना सकते हैं, और आप ये बड़े वाले झारे से कैसे बना सकते हैं। और भी बड़ी बूंदी अगर बनाना चाहें तो और भी बड़े बड़े मार्केट में झारे मिल जाते हैं, तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप इजीली नॉर्मल तरीके से ये बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी मीठी बूंदी खाने का मन है तो आप इस तरीके से इसको बना लीजिए और रायते में भी यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसको जब भी बिल्कुल ठंडी हो जाए तब आप इसको कंटेनर में भर के, एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, और पूरे 3 महीने तक आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और जब भी आपको यूज करनी है थोड़ी सी निकालिए और उसी कंटेनर में बंद करके रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा, बहुत अच्छी, सच में बहुत अच्छी बूंदी आप बना के तैयार करेंगे। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक ले थैंक यू।